हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन फ्रॉम कौशल्या क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में भी नॉमेनक्लेचर ही पढ़ रहे थे, बट तब हम लोगों ने सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन डिस्कस किया था। हम लोग एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, एल्काइन का नंबर नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल्कीन आइन, एल्किनाइन। कैसा होता है ये? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। तो इसमें इन भी है और इसमें आइन भी है। तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, है ना। और जैसे कि इसमें दिख रहा है, अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो नंबरिंग फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? फाइव है तो ये इसको लिखेंगे हम पेंट, पेंट थ्री इन, थ्री इन वन आइन। बट अगर हमारे को चूज करना हो, प्रायोरिटी करना हो, इफ देर इज अ चॉइस, जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोजीशन पे आइन है, इधर से देखो तो इधर से करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे इन है। अब नंबरिंग हम किधर करें? यहाँ याद रखिएगा कि जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा हाई होती है, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे राइट टू लेफ्ट लिखना, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंट वन इन फोर आइन। तो इस तरीके से हम एल्किनाइन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी रेसिड्यू में अटैच हो। तो टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर फॉर अदर क्लास, अदर क्लासेस, क्लासेस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए, बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। टॉपिक क्लियर कर लीजिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर अदर क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप एंड अकरिंग ओनली वंस। तो इसके लिए क्या करना है? आपको ध्यान देना है जो भी मैं बता रहा हूं अभी। पॉइंट नंबर वन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इंक्लूड्स फंक्शनल ग्रुप, दैट इंक्लूड्स फंक्शनल ग्रुप इट सेलेक्टेड। जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टेड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, और इसको बोलेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि फॉर द फंक्शनल ग्रुप, फॉर द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ओनली वन बॉन्ड, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप containing only one bond like COOH, COOR, CONH2 या फिर COX या फिर CN या फिर CHO, numbering begins with or begins from them only। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, कार्बन 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 COOH। तो आपको अच्छे से पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये वाला।
तो अगर ये पता है तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये फंक्शन ग्रुप फर्स्ट नंबर पे, देखो क्या लिखा है, फॉर द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ओनली वन बॉन्ड, जैसे सी ओ एच, सी ओ आर, सी ओ एन एच टू, सी ओ एक्स, सी एन, सी एच ओ। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही कार्बन होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या होगा, थर्ड वाले पोजिशन पर मेथिल लगे हुए हैं, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 3.3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेन में ई हट के ओइक एसिड आ जाता है, ब्यूटेन नोइक हो जाता है, ओइक एसिड आ जाता है। इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। बट हाँ एक प्रॉब्लम है, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा, फॉर द फंक्शनल ग्रुप लाइक ईथर हो या OH हो या फिर NH2 हो या फिर हेलोजन हो, तो अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं देन पेरेंट चेन, द पेरेंट चेन मतलब कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जो हम सेलेक्ट करते हैं, द पेरेंट चेन इज नंबर्ड इन सच वे दैट और यू कैन से इन सच ए वे एज, नॉट वे दैट, सॉरी थोड़ा सा इंग्लिश करेक्ट कर लेते हैं अपना, सच ए वे एज टू गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब हुआ, फॉर द फंक्शनल ग्रुप लाइक ईथर, एल्कोहल है ना, एमीन या फिर हेलोजन, पेरेंट चेन को हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये पहले नंबर पे आए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कुछ, जैसे कि कार्बन कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ और इधर सीएल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है तो देखो मैंने ऊपर वाली लिस्ट में है ये, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये ग्रुप पहले नंबर पे आए, या फिर उसी कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थ्री कार्बन से, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रो पेन लिखेंगे, ई हटा के ओएल लगाएंगे, ओएल क्लोराइड, क्लोराइड। देखिए कितना आसान है, थ्री कार्बन से है तो प्रोपेनोइल क्लोराइड इसका नाम होगा इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, कार्बन 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 और इधर सी एन लगा हो और यहाँ पे हो कार्बन, तो हमारा नॉमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। इसको क्या लिखेंगे, दूसरे वाले पोजीशन पे मेथिल लगा हुआ है, ठीक बात, और फिर ये क्या है, साइनाइट है ना, तो इसको नाइट्रिल कहेंगे, 2 मेथिल 5 है तो पेंटेन नाइट्रिल। बहुत आसान है नॉमेनक्लेचर। अगर आपके सामने कुछ ऐसा ग्रुप हो, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अब क्या करेंगे भैया, मेथिल ही मेथिल, मेथिल ही मेथिल, मेथिल ही फेथिल, है ना। तो नॉमेनक्लेचर हम उधर से करेंगे जिधर से ये वाला सबसे पहले आए, क्योंकि ये तो कीटोन है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट, है ना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अगर लेफ्ट टू राइट करते तो ये फोर्थ पोजीशन पे आता है, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट किए ताकि जो कीटोन है, ये कीटोन है, ये पहले आ जाए। तो अब क्या लिखेंगे हम, 2.5.5 ट्राई मेथिल है ना, और थ्री वाले पोजीशन पे है हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, थ्री थ्री
3 ऐसे ना लिख के ऐसे कर देते, 2 5